वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कलेक्टिंग प्राइमरी डेटा यूजिंग क्वेश्चनर। तो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑन द प्राइमरी डेटा कलेक्शन बाय यूजिंग द क्वेश्चनर। वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द क्वेश्चनर डिजाइनिंग and how can we design the questionnaire for the collection of the primary data. This is the today's topic of my lecture. This is the first video I'm going to record about the questionnaire design. Okay, let's start. When to use questionnaire? Questionnaire hum kab istemal karte hain? Questionnaire कब इस्तेमाल किया जाता है? इनिशियली आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट कि जब आपको प्राइमरी डेटा कलेक्ट करना हो, व्हेन यू आर गोइंग टू कलेक्ट अ प्राइमरी डेटा, यू हैव टू हैव द क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर के थ्रू जो है वो आप डेटा कलेक्ट करते हैं। ओके, एग्जामिनेशन ऑफ द सेकेंडरी सोर्सेज। क्या हम जब सेकेंडरी सोर्सेज जो है उनको एग्जामिन कर रहे होते हैं, तो क्या हम जो है वो क्या हम जो है उसमें क्वेश्चनायर इस्तेमाल करते हैं? क्या जब हम ऑब्जर्वेशन कर रहे होते हैं तो उसके अंदर क्वेश्चनायर जो है उसमें इस्तेमाल होता है? तो जब एग्जामिनेशन ऑफ द सेकेंडरी सोर्सेज, जब आप सेकेंडरी सोर्सेज से आमतौर पर डेटा ले रहे होते हैं, तो उस वक्त क्वेश्चनायर की आपको जरूरत नहीं होती है। तो सेकेंडरी सोर्सेज से मुराद ये है कि द सोर्स ऑलरेडी पब्लिश्ड इन मे बी द रिसर्च जर्नल्स, इन द रिपोर्ट्स, कंपनी रिपोर्ट्स, आर इन द बॉक्स, आर समवेयर एल्स इन द वेबसाइट्स एंड ऑल द अदर सोर्सेज। अगर सेकेंडरी डेटा जो है आपके रिसर्च के लिए रिक्वायर्ड है सेकेंडरी डेटा, तो उसके लिए फिर क्वेश्चनायर की जरूरत नहीं होती है। हर रिसर्च के लिए क्वेश्चनायर की जरूरत नहीं होती है। जैसा कि मैं बता चुका हूं कि प्राइमरी डेटा कलेक्शन के लिए आपको रिसर्च की जरूरत होती है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन से मुराद ये है फर्स्ट हैंड इंफॉर्मेशन, कि आप जाएं और डायरेक्ट लोगों से सवाल करके डेटा कलेक्ट करें, तो दैट्स कॉल्ड द प्राइमरी डेटा। तो वो आप जो सवालात आप करेंगे वो कौन से सवालात होंगे और क्या वो ओपन एंडेड होंगे या क्लोज एंडेड होंगे, आप जो है ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर। तो बहरहाल अगर आपके पास सेकेंडरी डेटा की एग्जामिनेशन है, तो वी कैन नॉट यूज ए क्वेश्चनर। सेकेंडरी डेटा जो है उसके लिए आमतौर पर जो है हम क्वेश्चनर इस्तेमाल नहीं करते। फिर उसके बाद ऑब्जर्वेशन है, ऑब्जर्वेशन के लिए भी क्वेश्चनर इस्तेमाल नहीं होता है। ऑब्जर्वेशन के लिए हम जो है आमतौर पर जो चीज़ इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो आप जाते हैं वहाँ पर कंपनी में बैठते हैं और वहाँ बैठकर आप जो है लोग वहाँ पर जो भी एक्टिविटी कर रहे होते हैं उस एक्टिविटी को आप नोट करते हैं और अपने पास जो है उसे रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो इफ़ यू आर ऑब्जर्विंग समथिंग, इट इज़ ऑल्सो नॉट इंक्लूडेड इन द क्वेश्चनर। तो क्वेश्चनर आप जो है ऑब्जर्वेशन जो है उसके लिए भी आपको क्वेश्चनर बनाने की एज सच जरूरत नहीं है। तो सेकेंडरी डेटा के लिए क्वेश्चनर की जरूरत नहीं है, आपको ऑब्जर्वेशन के लिए आम तौर पर जो है वह क्वेश्चनर की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके अलावा जो है सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड जो इंटरव्यूज होते हैं उसके लिए डेफिनेटली जो है आपको जो है वो जरूरत पड़ती है। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू के लिए भी आमतौर पर आपको जो है ज़रूरत पड़ती है, जो कि आप क्वेश्चनर इस्तेमाल करते हैं। तो और अनस्ट्रक्चर इंटरव्यू भी हूँ तो उसके लिए भी आपको क्वेश्चनर इस्तेमाल करना पड़ता है। तो अगर आप क्वेश्चनर इस्तेमाल कर रहे हैं और प्राइमरी डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो उसके लिए जो है आपको पता होना चाहिए कि हाउ टू डिज़ाइन द क्वेश्चनर प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के लिए।
अगर आप प्राइमरी डेटा पर काम नहीं कर रहे हैं, आप सेकेंडरी डेटा पर काम कर रहे हैं, आप ऑब्जर्वेशन पर काम कर रहे हैं, तो देन आपको जो है आमतौर पर क्वेश्चनायर की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो आप जो है अब अगर इंटरव्यू लेने के लिए जा रहे हैं जो सेमी स्ट्रक्चर्ड है या अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू है, तो उसके बावजूद जो है वह आपके पास क्वेश्चनायर होना चाहिए ताकि आप जाकर उनसे सवालात कर सकें, उनसे बात कर सकें, उनसे जो है आपके के पास जो है कुछ सवालात होने चाहिए जो कि उनसे आप पूछ सकें। ओके, उसके बाद है इवैल्यूएट ऑल पॉसिबल डेटा कलेक्शन मेथड्स। तो आपको सबसे पहले जो है वो सारे के सारे जो डेटा कलेक्शन के मेथड हैं उन्हें इवैल्यूएट करना चाहिए, उन्हें देखना चाहिए कि आप जो रिसर्च कर रहे हैं उसमें कौन से डेटा कलेक्शन, कौन सा जो मेथड है डेटा कलेक्शन का वो इस्तेमाल होगा। उसके बाद ही आप ये फैसला कर सकेंगे कि आप जो है वो क्वेश्चनायर डिजाइनिंग की तरफ जाएंगे या जो है फिर आप सेकेंडरी सोर्सेज से आप डेटा कलेक्ट करेंगे, इट डिपेंड्स। और फिर उसमें भी अगर आप प्राइमरी सोर्सेज डेटा कलेक्ट कर रहे हैं तो आप क्या वो क्वालिटेटिव सब्जेक्टिव डेटा है या क्वांटिटेटिव और ऑब्जेक्टिव डेटा है, तो इसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि फिर किस टाइप का क्वेश्चनायर आपको बनाना है। तो क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर बनाना है, क्वेश्चंस बनाने हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चनायर बनाने हैं, तो ये सारी चीजें डिपेंड करती हैं कि आपके रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। तो रिसर्च के ऑब्जेक्टिव के बाद जो सबसे पहला आपने काम करना है, दैट इज द इवैल्यूएशन ऑफ डेटा कलेक्शन मेथड विच डेटा कलेक्शन मेथड कैन बी यूज फॉर द कलेक्शन ऑफ द डेटा इन योर रिसर्च। तो वो जो रिसर्च इंस्ट्रूमेंट है, समटाइम पीपल ऑल्सो कॉल दिस क्वेश्चनायर एज इंस्ट्रूमेंट, जो क्वेश्चनायर होता है उसको लोग इंस्ट्रूमेंट भी कहते हैं, बाज़ जगहों पे लिखा हुआ होता है टूल फॉर डेटा कलेक्शन। तो टूल फॉर डेटा कलेक्शन ऑल्सो कॉल्ड क्वेश्चनायर। तो आप क्वेश्चनायर कहीं लिखा हुआ हो, कहीं पर इंस्ट्रूमेंट लिखा हुआ हो, कहीं पर टूल फॉर डेटा कलेक्शन लिखा हुआ हो, तो इस सब का, इन तीनों का मतलब जो है होता है क्वेश्चनायर। ठीक है, तो हम सबसे पहले जो काम करने के लिए जाएंगे वो ये होगा कि हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव को हम देखेंगे और उसके बाद हम इवैल्यूएट करेंगे कि व्हाट आर द पॉसिबल वेज टू कलेक्ट द डेटा, यानी डेटा कलेक्शन के मैथड्स। तो जो अप्रोप्रिएट मेथड होगा उसको आप सेलेक्ट करेंगे, उस मेथड को सेलेक्ट करने के बाद आप अपना जो है वो रिसर्च आगे कंटिन्यू करेंगे। बी कैटेगरी में एक्सप्लोरेटरी आर अदर रिसर्च दैट रिक्वायर लार्ज नंबर ऑफ ओपन एंडेड क्वेश्चंस। यस डेफिनेटली, जब आप आमतौर पर क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे होते हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च कर रहे होते हैं, तो आपको जो है उसके लिए ओपन एंडेड क्वेश्चंस जो है वो चाहिए होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चंस क्या होते हैं, वैसे तो आगे भी इसमें डिटेल है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा आपको बता दूँ, तो ओपन एंडेड क्वेश्चन से मुराद ये है ऐसे क्वेश्चन जिसके अंदर रिस्पोंडेंट को जो है लिमिट ना किया जाए, बल्कि वो अपनी मर्जी से आंसर कर सके। जैसा कि अगर मैं ये सवाल पूछूं कि आप कोरोना वायरस के बारे में आपके क्या तासुरात हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान कोरोना वायरस को कंट्रोल करने में कामयाब हुई या नहीं हुई, और आप इसका जवाब डिटेल में अगर आप जवाब ले रहे हैं किसी से, तो ओपन एंडेड होगा। अगर आप यस और नो में ले रहे हैं तो क्लोज एंडेड होगा। यस और नो से मुराद ये है कि अगर आपने सिर्फ दो ही ऑप्शन दिए, या तो यस या फिर नो, उसके अलावा कोई थर्ड ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए वो जो है ऑप्शन अगर कहीं पर है और उन्हीं में जो है वो रिस्पोंडेंट को चेक करना है, या उन्हीं में रिस्पोंडेंट को जो है सेलेक्ट करना है उसमें से, तो फिर तो जो है वो आपका क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर होगा। और अगर आपका जो है सवालात ऐसे हों जिसके अंदर जो जो रिस्पोंडेंट है वो अपनी ओपिनियन दे सके, जो रिस्पोंडेंट है वो जो सोच रहा है जहन के अंदर उसके बारे में कुछ डिटेल बता सके, तो फिर ऐसे जो क्वेश्चनायर होते हैं वो क्वेश्चनायर जो है उसको ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं। तो क्वेश्चनायर की स्लाइड है, हम ये देख रहे हैं कि, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ स्लाइड को, कि अगर आप सेकेंडरी डेटा
आम तौर पर जो फाइनेंस के या इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट्स होते हैं वो लोग सेकेंडरी डेटा पर काम करते हैं, सेकेंडरी सोर्सेस से डेटा कलेक्ट करते हैं। जैसा कि अगर कोई फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी देखना चाहता है तो उसके लिए जो डेटा होगा वो सेकेंडरी जो डेटा होगा जो कि बैलेंस शीट वगैरह से दिया जाएगा। और वो डेटा क्या हो सकता है, वो डेटा हो सकता है रेशोज के, रिटर्न ऑन एसेट्स रेशियो देख लें, रिटर्न ऑन इक्विटी रेशियो देख लें। तो आमतौर पर रिटर्न ऑन एसेट्स और रिटर्न ऑन इक्विटी के जो रेशियो होते हैं दैट इज लीड टू द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी। तो ये सेकेंडरी डेटा है, इसके लिए आपको क्वेश्चनार बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो सेकेंडरी सोर्सेज से सेकेंडरी डेटा अगर आप कलेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए क्वेश्चनार की जरूरत नहीं है, आप ऑब्जर्वेशन इवन कर रहे हैं। अच्छा, बाज ऑब्जर्वेशन में ऐसा होता है कि लोग क्वेश्चनार जो है वो लेकर जाते हैं, बनाते हैं, देखते रहते हैं और उसके बाद जो भी उनकी ऑब्जर्वेशन होती है उसको उसमें नोट कर लेते हैं। तो ऐसा होता है बाज दफ़ा के कभी लोग क्वेश्चनार बाकायदा बनाकर जाते हैं और कभी बगैर क्वेश्चनार के किस भी ऑब्जर्वेशन की जा सकती है। लेकिन जो सेकेंडरी सोर्सेज हैं, जो सेकेंडरी डेटा है उसके लिए आमतौर पर जो है वो क्वेश्चन बनाने की जरूरत नहीं है, ना ही क्वेश्चनार बनाने की जरूरत है। तो हमें वो डेटा जो है सेकेंडरी सोर्स से मिलेगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी देखनी है तो फिर आपको कंपनी की बैलेंस शीट की तरफ जाएगा, आपको कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है तो फिर कैपिटल स्ट्रक्चर के जो रेशियोज हैं उसे देखने होंगे। इसी तरह आपको जो है अगर जीडीपी ऑफ द ऑफ द कंट्री देखनी है तो उसके लिए भी आपको सेकेंडरी सोर्सेज की तरफ जाना पड़ेगा। ठीक है, आपको इन्फ्लेशन रेट देखना है तो वो भी सेकेंडरी सोर्सेज की तरफ जो है जाना पड़ेगा आपको कि कहाँ से आपको इन्फ्लेशन रेट जो है वो मिल सकता है। दीज आर द सेकेंडरी सोर्सेज। तो जो जो फाइनेंस के लोग हैं वो सेकेंडरी सोर्सेज को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और वहीं से डेटा उनका कलेक्ट होता है, जो कि मैंने सोर्सेज बताया। इसके अलावा भी और बहुत सारे सोर्सेज हो सकते हैं। उसके बाद फिर आ जाते हैं वो लोग जो कि प्राइमरी डेटा पर काम कर रहे होते हैं। प्राइमरी डेटा मैं आपको बता चुका हूँ, प्राइमरी डेटा पर वो लोग काम करते हैं जो कि फर्स्ट हैंड या क्वालिटेटिव इवन क्वांटिटेटिव भी जो है रिसर्च होती है जब आप जो है प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं। तो जब प्राइमरी डेटा आप कलेक्ट कर रहे होते हैं तो आमतौर पर आप जो है वो क्वेश्चनायर कंस्ट्रक्ट करते हैं, क्वेश्चनायर डिजाइन करते हैं और उसके बाद जो है आप सेकेंडरी डेटा जो है उसको प्राइमरी डेटा को जो है वो आप कलेक्ट करते हैं। तो ये क्वेश्चनायर की टाइप्स होते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर होता है, सेमी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर होता है, अनस्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर होता है और फिर इसी तरह उसके इंटरव्यूज भी होते हैं। तो सेमी स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू जो है वो आमतौर पर होता है। तो और स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर अगर है तो फिर डेफिनेटली आपको स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू की तरफ जाना पड़ेगा। तो क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव रिसर्च आप कर रहे हैं थ्रू प्राइमरी डेटा तो फिर आपको उसके लिए क्वेश्चनायर डिजाइन करना ही पड़ेगा। फिर अगर आप उसके अंदर क्वांटिटेटिव स्टडी कर रहे हैं तो फिर आपका क्लोज एंडेड यानी स्ट्रक्चर्ड क्वेश्चनायर होगा, और अगर आप ओपन एंडेड जो है कोई सब्जेक्टिव या क्वालिटेटिव स्टडी कर रहे हैं तो उसके लिए फिर जो है वो ओपन एंडेड क्वेश्चनायर आमतौर पर इस्तेमाल होते हैं। तो इन सारी चीज़ों से पहले जब आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स आपने क्लियर कर लें तो फिर आप देखेंगे पॉसिबल डेटा कलेक्शन के मेथड्स क्या हो सकते हैं, उन मेथड्स को आप इवैल्यूएट करें, उन्हें देखें कि कौन सा मेथड आपकी रिसर्च के लिए बिल्कुल फिट होगा। तो जो मेथड आपकी रिसर्च के लिए फिट हो उस मेथड को आप इस्तेमाल करके आप जो है अपना डेटा कलेक्ट कर सकते हैं। वेदर द डेटा कैन बी कलेक्टेड फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स एज the financial data of the company or the GDP of the country or the inflation rate of the country or the per capita income in the country. So ye sari cheeze secondary source related hai. If you want to collect the data from the respondents of from the first hand data, then you should have the questionnaire. The questionnaire can be open ended, questionnaire can be close ended. And the mixture of both, the open-ended and close-ended questions can also be included in the questionnaire. How can we select the tool for data collection, whether it is the questionnaire or it is the source of secondary data? So ye depend karta hai on your research objectives. इसी तरह मैंने ये नीचे जो है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च इज द
is a qualitative research. If you are doing qualitative research, it means it's a open-ended question. You should use open-ended questions in which the respondent can answer in detail. Close-ended questions mean the answer will be given in choices, maybe in limited choices. Strongly disagree to strongly agree, 1 to 5 के स्केल पर होगा, yes or no के ऊपर होगा, 1 to 3 के स्केल पर होगा. तो इस तरह का जो क्वेश्चन जिसके अंदर ऑप्शन आप दें और ऑप्शन को ही रिस्पॉन्डेंट टिक करें, तो इसका मतलब ये होगा कि योर क्वेश्चनायर इज द क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर. ओके जी, नेक्स्ट हम चलते हैं. नेक्स्ट हमारे पास है, व्हाट इज क्वेश्चनायर? बेसिकली क्वेश्चनायर होता क्या है? List of a research or survey questions asked to respondents. जो क्वेश्चनायर होता है उसके अंदर जो है वो क्वेश्चंस की लिस्ट होती है. उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो के सब मिलकर एक क्वेश्चनायर को बनाते हैं. तो जिसके अंदर सवालात हों उसको हम क्या कहते हैं? क्वेश्चनायर कहते हैं. The list of a research or a survey question asked to respondent. Respondent से जो सवालात पूछे जाते हैं असल में वो जो है वो क्वेश्चनायर कहलाता है. जो सवालात होते हैं सब मिलाकर क्वेश्चनायर कहलाता है. उसके अंदर जो इंडिविजुअल आइटम्स होते हैं दैट्स कैन बी कॉल्ड द क्वेश्चंस. उनको आइटम्स भी बार दफा कहते हैं. जो क्वेश्चंस क्वेश्चनायर के अंदर जो सवालात दिए गए होते हैं उसको आइटम्स भी कहते हैं और क्वेश्चंस भी कहते हैं. तो आप आइटम्स कह सकते हैं, क्वेश्चंस भी कह सकते हैं. अगर वो क्वेश्चंस मिलकर जो है क्वेश्चनायर को बनाते हैं, तो सब क्वेश्चंस अगर मिल जाए तो हम उसे कहेंगे क्वेश्चनायर. तो आप अपनी रिसर्च के लिए जितने भी क्वेश्चंस जो है इंक्लूड करेंगे, लोगों से पूछना चाहेंगे, वो सब मिलकर आपका जो है वो रिसर्च क्वेश्चनायर जो है वो कहलाएगा. एंड डिजाइन टू एक्सट्रैक्ट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन. तो रिसर्च जो क्वेश्चनायर होता है या सर्वे क्वेश्चंस होते हैं जो वो जो है क्यों आमतौर पर बनाया जाता है? क्योंकि जो रिस्पोंडेंट होते हैं उनसे सवालात पूछने के लिए और जो इंफॉर्मेशन आप गैदर करना चाहते हैं फ्रॉम द स्पेसिफिक ऑडियंस, फ्रॉम द स्पेसिफिक रिस्पोंडेंट फॉर योर रिसर्च, तो आप क्वेश्चनायर इस्तेमाल करके उस स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो है वो आप कलेक्ट कर सकते हो. स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं थ्रू दी थ्रू क्वेश्चनायर. इट सर्व्स फोर बेसिक पर्पस. क्वेश्चनायर जो है वो चार मकासद, चार ऑब्जेक्टिव्स जो है, चार पर्पस जो है, फोर पर्पस को जो बेसिक पर्पस जो है होते हैं क्वेश्चनायर के. पहला, टू कलेक्ट द अप्रोप्रिएट डेटा. तो कलेक्ट द अप्रोप्रिएट डेटा वी शुड हैव द क्वेश्चनायर. तो अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्ट करने के लिए हमारे पास अप्रोप्रिएट क्वेश्चनायर होना चाहिए. उसके अंदर अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस होने चाहिए, आइटम्स होने चाहिए. वो अगर डेटा आपका जो है आपकी रिसर्च क्लोज एंडेड है तो आपका जो नेचर ऑफ क्वेश्चनायर होता है वो क्लोज एंडेड होना चाहिए. और अगर आप कोई ओपन एंडेड जो है इंक्वायरी करना चाह रहे हैं, यानी कोई क्वालिटेटिव रिसर्च करना चाह रहे हैं, तो फिर आपका रिसर्च क्वेश्चनायर भी क्वालिटेटिव टाइप का ही होना चाहिए जो कि ओपन एंडेड होना चाहिए, तभी आप अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्ट कर सकेंगे. तो पहला ऑब्जेक्टिव जो है क्वेश्चनायर का दैट इज द कलेक्शन ऑफ द अप्रोप्रिएट डेटा. एंड द सेकेंड इज मेक डेटा कंपेरेबल एंड अमेनेबल टू एनालाइज. तो आप क्वेश्चनायर के थ्रू जो है वो आप डेटा को कंपेरेबल भी बना सकते हैं और उसको उसके अंदर अगर कुछ चेंज आप चाहें तो चेंज भी ला सकते हैं. तो वो जो क्वेश्चनायर का दूसरा ऑब्जेक्टिव जो होता है वो यही होता है कि आप डेटा के अंदर अगर आप चेंज लाना चाहें या उस डेटा को कंपेयर करना चाहें और डेटा को एनालाइज करना चाहें तो यू कैन यूज द क्वेश्चनायर. एंड द थर्ड इज द मिनिमाइज द बायस इन फॉर्मुलेटिंग एंड आस्किंग द क्वेश्चंस. तो रिसर्च क्वेश्चनायर इसलिए डिजाइन किया जाता है ताकि आप पहले से ही प्रिपेयर हों और जो बायसेस हैं उन्हें कम से कम किया जाए. जितना बायसेस कम से कम होंगे रिसर्च के अंदर उतना ज़्यादा बेहतर और इफेक्टिव रिसर्च आपकी होगी. तो आप जो बायसेस हैं जो उन्हें कम किया जाए. इसी तरह टू मेक क्वेश्चन इंगेज्ड एंड वैरिड. आपके जो सवालात उसके अंदर होने चाहिए क्वेश्चंस के अंदर वो ऐसे होने चाहिए जो कि जिससे रिस्पोंडेंट है वो उन सवालात के अंदर इंगेज्ड हो, उन्हें पढ़े, उन्हें अच्छा लगे,
कि ये क्वेश्चन ऐसे हों जो कि उन रिस्पोंडेंट जो है वो उन्हें पसंद करें, रिस्पोंडेंट्स को वो क्वेश्चन ऐसे लगे कि वो ये उनसे रिलेवेंट है, ये रिसर्च जो है बिल्कुल उनसे रिलेवेंट है, वही एक्चुअल में जो है रिस्पोंडेंट है जिनको इनके सवाल आते हैं, उसके अलावा कोई और लोग इसके जवाब नहीं दे सकते। और फिर वैरायटी होनी चाहिए, डिफरेंट क्वेश्चंस क्वेश्चनार के अंदर होने चाहिए ताकि तमाम जो कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन है उसे क्रैक किया जा सके। तो कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन को क्रैक करने के लिए डेफिनेटली हमें कम्प्रिहेंसिव क्वेश्चनार जो है वो बनाना होगा, जो कि जिस एरिया पे हम काम कर रहे हैं उस एरिया से रिलेटेड जो है वो कम्प्रिहेंसिव इंफॉर्मेशन हमारे पास आनी चाहिए। तो क्वेश्चनार जो है वो ये फोर बेसिक पर्पस को सर्व करता है। पहला तो डेटा को अप्रोप्रिएट डेटा कलेक्ट करने में हमारी मदद करता है, उसके थ्रू हम डेटा को कंपेरेबल बना सकते हैं और अमेंडेबल बना सकते हैं, जिससे जो है आप प्रॉपर एनालाइज कर सके उस डेटा को। इसी तरह आप जो है वो डेटा के अंदर बायसनेस को मिनिमाइज कर सकते हैं आप थ्रू प्रॉपर डिजाइनिंग द प्रॉपर क्वेश्चनर एंड आस्किंग द प्रॉपर क्वेश्चंस फ्रॉम द रिस्पोंडेंट्स। और हम जो है उसके अंदर ऐसे सवालात जो है इंक्लूड करते हैं जिससे एम्प्लाइज इंगेज हूँ, और उसके अंदर जो क्वेश्चनर है वो क्वेश्चनर ऐसा होना चाहिए जो कि कम्प्रिहेंसिव हो और तकरीबन पूरी इंफॉर्मेशन जो आप कलेक्ट करना चाहते हैं वो इंफॉर्मेशन आप कलेक्ट कर सके थ्रू क्वेश्चनर। तो अगर आप वो पूरी इंफॉर्मेशन थ्रू क्वेश्चनर कलेक्ट नहीं कर पाएंगे तो दैट विल बी डिफिकल्ट टू कलेक्ट द अप्रोप्रिएट डेटा फॉर योर रिसर्च। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको जो है वो जो डेटा आप क्रैक कर रहे हैं इट इज अप्रोप्रिएट एंड कैन बी यूज्ड फॉर द रिसर्च। तो अगर वो डेटा अप्रोप्रिएट कलेक्ट नहीं होता है तो इसका मतलब यह है कि आपकी पूरी रिसर्च जो है वो ठीक नहीं होगी, वो वैलिड नहीं होगी, वो रिसर्च रिलायबल नहीं होगी। इसलिए अगर आप रिजल्ट जो है रिसर्च जो है उसको वैलिड और रिलायबल बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जरूरी है कि यू शुड हैव द प्रॉपर क्वेश्चनर, यू शुड हैव द वैलिड क्वेश्चनर, यू शुड हैव द रिलायबल क्वेश्चनर। ठीक है, तो ये फर्स्ट वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। अगर आपका इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी आपका सवाल हो तो आई विल बी अवेलेबल इन क्वेश्चन आंसर सेशन। तो आप क्वेश्चन आंसर सेशन जो हम करेंगे उसके अंदर आप मुझसे ये सवालात पूछ सकते हैं। तो जो पहले आप इनको सुनिए इस वीडियो को, उसमें जो आपके सवालात हैं जो चीज़ आपको इसमें समझ में नहीं आई वो आप नोट कीजिए अपने पास, और जब हम क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा होगा उस क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर आप अपना जो है अपने सवालात पूछिए, जो भी आपकी क्यूरीज है आप उसमें पूछ सकते हैं। तो इस तरह हमारी फर्स्ट वीडियो एंड होती है। मैं अभी फिर सेकंड वीडियो जो है रिसर्च क्वेश्चनर्स के डिज़ाइन आपने सीखे, सेकंड वीडियो भी देखनी है इसकी। थैंक यू वेरी